दोस्तों, अगर आपके फोन का भी नेटवर्क बार बार गायब हो जाता है, सही से यहाँ पर फुल नेटवर्क कभी भी नहीं रहता, और इस वजह से आपके फोन पर ना इनकमिंग कॉल आता है ना ही आउटगोइंग कॉल जाता है, और इंटरनेट भी बहुत स्लो काम करता है, तो भाई इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फोन के नेटवर्क प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस सेटिंग्स को करने के बाद जो आपके फोन का नेटवर्क है ना, वो हमेशा फुल रहेगा, यहाँ पर आपका एक टावर भी कम नहीं होगा, और आपके फोन पर इनकमिंग कॉल भी आएगा और गोइंग कॉल भी जाएगा, और इंटरनेट भी दुगना फास्ट काम करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के नेटवर्क प्रॉब्लम को हमेशा के लिए कैसे ठीक कर सकते हो, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का सिम हो, जियो, एयरटेल, वीआई, ये सभी में काम करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम है कनेक्शन एंड शेयरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर चले आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम है रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, वाईफाई, मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ का। और ये क्या होता है ना कि हम सभी लोग अपने फोन को यूज तो करते हैं, लेकिन अपने फोन के नेटवर्क को कहीं भी रिसेट नहीं करते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि हमारे फोन का जो नेटवर्क होता है वो पुराना हो जाता है, और जो नेटवर्क है वो बार बार गायब होना स्टार्ट हो जाता है, और आपके फोन का इंटरनेट भी बहुत स्लो काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपने फोन के नेटवर्क को एक बार रिसेट करना है, ठीक है। तो कैसे रिसेट होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। नीचे में आपको रिसेट सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फोन का पैटर्न डालना है, जो आपके फोन का मेन पैटर्न होता है ना, जिससे कि आप अपने फोन को अनलॉक करते हो, वही पैटर्न यहाँ पर आपको डालना है। डायरेक्टली हम यहाँ पर इस पैटर्न को डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको वन टू रिसेट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपके जो फोन का नेटवर्क है वो एक बार रिसेट हो जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा नेटवर्क के अंदर और जिस वजह से आपके फोन का नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था, वो यहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले इस सेटिंग्स को आपको अपने फोन के अंदर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अप सीक्वेंस सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको बैक चले आना है, बैक चले आना है, ठीक है। आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर चले आना है। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन, और ये हम सभी के फोन के अंदर होता है, लेकिन हमारे फोन के अंदर ये हिडन सेटिंग्स होता है। तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर इस सेटिंग्स को एक्टिवेट करना होगा। तो ये कैसे एक्टिवेट होगा, तो आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाना है, अबाउट फोन के अंदर जाना है, और बिल्ड नंबर पर आपको 7 बार टैप करना है। उसके बाद जो डेवलपर ऑप्शन है ना, वो आपके फोन में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम डेवलपर ऑप्शन के अंदर चले आते हैं, और यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो और नीचे पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। यानी कि ये आपके फोन के नेटवर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अगर आपके फोन का नेटवर्क बार बार गायब हो जाता है, सही से फुल टावर यहाँ पर नहीं दिखाता है, तो ये आपके फोन के नेटवर्क परफॉर्मेंस को यहाँ पर इम्प्रूव कर देगा, ताकि जो आपके फोन का नेटवर्क है वो कहीं भी गायब नहीं होगा, और आपके जो फोन का बैटरी है वो भी बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा। ये क्या करता है कि आपके फोन की बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को रिड्यूस भी करता है। यानी कि एक सेटिंग्स आप अपने फोन में ऑन करोगे तो आपके फोन में 2 काम होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको इस सेटिंग्स को यहाँ से ऑन कर देना है, ठीक है।
ऑन करने के बाद क्या होगा कि जो आपके फोन का नेटवर्क परफॉर्मेंस है ना, वो यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा। कभी भी आपके फोन का नेटवर्क यहाँ से गायब नहीं होगा, हमेशा फुल टावर यहाँ पर रहेगा और कहीं भी आप कॉल करोगे तो आपका कॉल तुरंत लग जाएगा, कहीं भी यहाँ पर बिजी नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आप अपने फोन में जरूर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब थर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको अपने फोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है। हम सभी के फोन के अंदर एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है फोन, जिसमें कि हम किसी को भी कॉल करते हैं नंबर डायल कर। तो यहाँ पर मैं आपको एक कोड बताऊंगा, उस कोड को आपको अपने फोन के अंदर डायल करना है और उसी के अंदर आपको एक खुफिया सेटिंग मिलता है जो कि आपके फोन के नेटवर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। यानी कि जो आपके फोन का नेटवर्क है वो कहीं भी गायब नहीं होगा। वो कैसे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर फोन कॉलर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको डायल करना है *#*#4636#*#*#। ठीक है, और जैसे ही इस कोड को आप अपने फोन में डायल करोगे तो आपके फोन में एक नया हिडन सेटिंग्स आ जाएगा टेस्टिंग के नाम से, और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, फोन इन्फॉर्मेशन 1, फोन इन्फॉर्मेशन 2 और वाईफाई इन्फॉर्मेशन का। तो जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ना, फोन इन्फॉर्मेशन 1, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है SMSC, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक कोड होता है जो कि हमारे फोन से गायब होता है तो हमारे फोन का जो नेटवर्क है वो भी बार बार गायब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके फोन से ये कोड गायब नहीं हुआ है तब तो ठीक है, अगर आपके फोन से ये कोड गायब हो गया है तो यहाँ पर उस कोड को यहाँ से अपडेट करना होगा। तो कैसे अपडेट होगा थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको अपडेट का और रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के बाद इस कोड को यहाँ से आपको अपडेट कर देना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद क्या होगा कि जो कोड है ना वो आपके फोन में अपडेट हो जाएगा और उसके बाद जो आपके फोन का नेटवर्क है वो कहीं भी गायब नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे ही कोड आपके फोन से गायब होता है वैसे ही आपके फोन का जो इंटरनेट है, नेटवर्क है, वो बार बार गायब होना स्टार्ट हो जाता है और कभी भी यहाँ पर आपको फुल टावर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कोड को यहाँ से आपको अपडेट कर देना है और उसके बाद जो आपके फोन का नेटवर्क है वो कभी भी गायब नहीं होगा और कहीं भी आप कॉल करोगे तो आपका कॉल तुरंत लग जाएगा और आपके पास कॉल भी आएगा और इंटरनेट भी जो आपका है वो दुगना फास्ट काम करेगा। तो यही तीन सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर करना है, उसके बाद आपको नेटवर्क प्रॉब्लम को कभी भी फेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमेशा यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है वो फुल रहेगा। तो यही सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर करना है। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।